सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि मेरे खत के जवाब में तुम खुद आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो तो काम की मसरूफियत आड़े आ गई, वरना मैं तो पहले ही चला आता। मैं समझ सकता हूं, मैं भी हरगिज तुम्हें इस तरह ना बुलाता, मगर अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां हिम्मतें जवाब देने लगती हैं। बैठो बैठो। जी शुक्रिया। नादानस्तगी में हमसे एक बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ भी इस बारे में बहुत दुखी है और हमने भी बहुत तकलीफें उठाई। जी हाँ, कोई ऐसा दिन और रात नहीं गुजरती कि वो पुरानी बातें याद ना करें। आप तो जानते हैं उनको आफिया से कितनी मोहब्बत थी। अब आफिया जिंदा होती तो शायद उनका जख्म भर जाता। मगर वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, खुदा जाने कब बुलावा आ जाए। यही सोचकर मैंने कल वकील को बुलाया। ये घर और ये दुकानें गरचैन पर किराएदार काबिज हो चुके हैं, मैं मेहरू के नाम कर दूं। आतिफ तो अल्लाह जाने अब लौट कर आता है या नहीं। ये सब कुछ मेहरू के पास अमानत रहेगा। अगर आतिफ ना आया तो मेरू ही हकदार होगी। ले दे के एक यही आसरा है हमारे पास। इसके बाद मेरू जाने और अल्लाह जाने। मुझसे क्या चाहते हैं आप? तुम मेरू को खुद तलाक दे दो ताकि मैं कुरान पे खाई भी उस कसम से आजाद हो जाऊं। अल्लाह जाने जिसे कफारा भी क्या होगा, लेकिन इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्करों से बच जाऊं। मैं चाय बनवाता हूं।